गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो मेरे को इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बना देगा। वो है वो ये है वो चीज जो मेरे को इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चीज बनाए। सीड को हटाओ, एक मिनट। ये है वो चीज जो मेरे को इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बनाएगी। और ये है मेरी प्यारी, हमारी प्यारी घिडोरा डिशके हैं। यप, हाँ, अब घिडोरा ये भी कर सकती है। ओह शूट, टीएनटी थोड़ा पहले स्पॉन हो गया, सॉरी। ओके, वो तो गया। अब आई कांट रियली गो नियर माय विलेज। फोड़ के रख दूंगा भाई। हाँ भाई, आजा आजा, पास आ मेरे। ए फट गया, फटेगा फटेगा फटेगा, प्लीज फट जा प्लीज, जल्दी। यस, 1 2 3 ओह नो। ओके, आई शुड नॉट गो नियर माय विलेज। तो मैं कहाँ जाऊंगा, कौन बता सकता है? मैं जाऊंगा इधर। हाँ गाइस, तो मैंने कमांड लगाया हमारे इस वर्ल्ड में। यार इतने लगा चुका हूँ तो सोचा एक और लगा दूँ, और ये थोड़ा अच्छा भी है। ये अभी के लिए तो सब लोग यूज कर सकते हैं, मतलब दैट मींस संकल्प भी यूज कर सकता है, और वो बहुत गलत चीजें कर सकता है इसके साथ, क्योंकि अगर वो चाहे वो सीधा मेरे घर के। मैंने अभी अभी एक उसकी आवाज सुनी, मर गए ना सारे। या सो बेसिकली ये चीज क्या, कहाँ से आवाज आ रही है? जो भी, हाँ मैं जाने वाला था आयरन लाने एक्चुअली मेरे को, क्योंकि एक बकेट बनानी है, और क्योंकि मेरे को मिल्क चाहिए ताकि मेरी विलेज पे रेड ना हो जाए। मैं डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या फिर अरे मतलब मैं टैकल तो बड़ी आसानी से कर लूँ रेड, मैं बोलो तो अकेले हैंड टू हैंड रेवेजर से भी लड़ लूँ, मतलब अपने टूल्स के साथ। दो आयरन, एक और आयरन दे दो। ये वीडियो में ऑब्वियसली उस कमांड ब्लॉक को थोड़ा सा सेफ बनाने के बाद अपलोड करूंगा। तो संकल्प, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, समझ जा तू यूज नहीं कर पाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा उस कमांड में कि सिर्फ मैं यूज कर सकूं। अब मेरे को चाहिए एक गाय। वेयर कैन आई फाइंड ए काउ? इधर, ये इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, किधर है गौ माता? इधर आओ। तो अब बेसिकली ये जो मेरी बो है वो एक कॉम्पैक्ट टीएनटी कैनन है, और मैं संकल्प के हर एक घर को बहुत ही आसानी से रेड कर सकता हूँ। बहुत ही आसानी का मतलब बनना बहुत ही ज़्यादा आसानी से। एक्चुअली आज क्या हुआ, जब मैं ये कर रहा था ना, ये मतलब बना रहा था, तब नहीं, जब मैं संकल्प को दिखा रहा था, आज मैं स्काइप पे दिखाया, मैं वहाँ पे किया और गलती से टिक्स का डिले नहीं डाला, तो मतलब एरो जितनी जाएगी उतने टीएनटी आएंगे। तो हर मतलब एरो जहाँ भी जाएगी, हर ब्लॉक पे एक एक टीएनटी स्पॉन होगा। तो ये केव खोद दी मैंने दो एरो से, ये दो एरो से हुआ है। और क्या हुआ, अंदर जो टीएनटी था वो टीएनटी की कैनन जैसे सीधा ऊपर गया, और मैंने ये नहीं देखा कि सीधा ऊपर मेरा वो है। थैंकफुली हमारी मिसाइल नहीं फटी टचवुड, तो फिर कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन डैमेज तो हुआ, बट देन वो मैंने सही भी कर लिया। ये जगह
पहले तो इतना ही छेद था, अब कितना बड़ा छेद हो गया। यहाँ पे तो पहले छेद भी नहीं था, ये छेद बना कैसे था ये याद नहीं आ रहा मेरे को। क्रीपर से इतना वो फाइन छेद तो बनने से रहा, पता नहीं याद नहीं आ रहा। जो भी, जरा बंद कर दिया इसको मैंने। अब क्या करें। हाँ तो अब बेसिकली मेरे पास अभी करेंटली 64 TNT नहीं है, मेरे पास 64 एंड 16 TNT है, क्योंकि एक एरो का मतलब 1 TNT होता है अभी, इस जब तक वो कमांड ब्लॉक एक्टिवेटेड है। मैं उसको वैसे डीएक्टिवेट कर दूंगा, फिर मैं उसको तब चलाऊंगा जब अब किस पे गोली मारें। चलो सोचो जल्दी से यार, ये तो मिसाइल्स बन गई फिर टेक्निकली, मतलब मैं एक जेट प्लेन और ये मेरी मिसाइल्स। फटी मिसाइल? फटी नहीं यार। यार और मेरे को अभी तक समझ नहीं आया इनकी रेंज भी होती है क्या कोई, मेरे को पता नहीं चला अभी तक एक्चुअली। हाँ ओ हाँ इधर तक हो रहा है। अच्छा दो होगा, बहुत अच्छा। नहीं मेरे डर्ट ब्लॉक को मत फोड़। फोड़ दिया, बहुत अच्छा। रुको मैं इसको रिपेयर कर दूँ पहले। तो बेसिकली मेरे पास तो एक एरो का मतलब 2 TNT होता है, तो अभी करंटली मेरे पास कितना TNT है बताऊं। प्लेसेबल TNT मेरे पास है 64, एंड ऐसे वाला TNT है मेरे पास 64 x 2 128, 15 x 2 30, तो 128 + 30 क्या होता है बेबी ज़ॉम्बी है यहाँ पे। तो फिर बेसिकली अब मैं इतना इजी हो गया मेरे लिए चीज़ों को रेड करना, लेकिन मेरे को पहले देखना पड़ेगा इसकी रेंज क्या है। तो पहले उस एरिया में ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं एरोस को एक लाइन से मारता हूँ। अच्छा और गाइस बाय द वे, एक एरो ओके ओ ये सारी हो जाती है, बहुत अच्छा। बाय बाय। ओ भाई कैसे मस्त उड़े सारे। ओ नो अभी मैं भी उड़ उड़ जाता। लॉल ये मर क्यों रहे हैं? ओ शूट नहीं, अबे मेरे विलेज में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाएगी यार, ऐसे मत करो। ओ शूट, इधर आ इधर आ इधर। भाई डरावना था वो, अंदर 3 ज़ॉम्बी आ गए थे। देखो इसको भी बीमार कर दिया उन ज़ॉम्बीज़ ने, मजाक कर रहा, वो ऑलरेडी बीमार था। यार ये तो गड़बड़ है, ऐसे तो ज़ॉम्बीज़ कभी भी आ जाए पूरी विलेज को ज़ॉम्बी विलेज बना दे। पर अंदर अच्छा बेबी ज़ॉम्बी था तो अंदर तो जा ही सकता है। राइट तो मतलब यहाँ तक तो रेंज इसकी डेफिनेट है। भाई कितने TNT स्पॉन हो गए वैसे? माय गॉड बहुत बड़ा ब्लास्ट है। थोड़ा दूर वहां करके देखते हैं यहाँ पे। थोड़े से और कर देते हैं। ये तो काम नहीं कर रहा।
यहाँ पे तो डेफिनेटली काम करता है, क्योंकि यहाँ पे फटे हैं, अभी चार पांच फटे हैं यहाँ पे। सॉरी गाइस, मैं देखना चाह रहा हूँ कितना दूर जाते हैं ये। अब देखते हैं। ओके अच्छा, सारे हो गए। ओ भाई, ओ नो, ये बहुत डेंजरस था और बहुत गलत भी था। अरे नहीं, सारे एक साथ कितने अच्छे से फटे, कितना मस्त था वो। ओ नो, मैंने अभी अभी नोटिस किया, मैंने एक्चुअली स्केलेटन्स को भी फटने वाली एरोज दे दी है। ऊप्स, आई गेस। ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं ले रही है, थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा है। तो एक शॉट उस छेद के अंदर मार देते हैं। अगर यहां तक पहुंच गया तो मतलब मोर देन इनफ है यार। गाइस मैं अभी गया और अभी आया। गाइस मैं एक्चुअली अभी मतलब जा रहा था ये ऑन करने, आई मीन रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करने, लेकिन मैं जैसे यहाँ से गया ना, मैंने दो ब्लास्ट सुने, भड़ाम भड़ाम। मेरे को एक्चुअली लग भी गई, लेकिन डैमेज नहीं हुआ क्योंकि मैं ऊंचाई पर था काफी। पता नहीं क्या। ओके तो वो वही आरोज होंगी डेफिनेटली जो स्केलेटन ने मेरे पे चलाई थी। तो बेसिकली मतलब इस वर्ल्ड में अब जो भी चीज, जो भी एंटिटी एक एरो शूट करेगा, एरो शूट। ओ भाई सॉरी यार, सो सॉरी, सो सॉरी, मैं डर गया यार, सो सॉरी यार, सो सॉरी। गाइस इसके लिए बाम्बू ऐसे लाऊंगा मैं। भाई कौन मारा, कौन मारा यार, तू मारा क्या? गुस्सा मत हो यार, ऐसा मत करो। रुको मैं बैम 30। सॉरी यार, सॉरी 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 यार, गुस्सा मत हो। ये ले ये ले ये ले, बैम्बू ले, बैम्बू ये ले, किरे किरे, बैम्बू 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 बैम्बू। खाता रहे खाता रहे खाता रहे। हाँ खाता रहे, थैंक यू, सॉरी। अब आई थिंक जैसे ही मैं इधर जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को एक ब्लास्ट दिखेगा बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चार ब्लॉक टीएनटी के एक साथ समन हुए हैं। चलो इस केव को बड़ी ही कर दी जाए फिर। ये वही जगह है बाय द वे जहाँ पे मैं विदर से लड़ा था, मतलब ऐसी ही जगह है। दीवाने पूछूं तो मेरा, पर ये इतना टाइम क्यों ले रहा है फटने? मैंने एक्चुअली गलत जगह आ रहा हूँ, मार दिया। वापस दे, मार ही दे यार मेरे को। टाइम पे पढ़ते क्यों नहीं है, लेकिन इतना लेट क्यों ले कर रहे हैं ये? यहां तक यप आ गया। अभी पूरा वहां पे भी सारे फटे होंगे तो। ओ मैं समझ गया आई थिंक। तो इन एरोज को ऑन करने के लिए बेसिकली मेरे को उस क्या बोलते हैं कमांड ब्लॉक की रेंज में जाना पड़ता है आई थिंक। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एरोज लगा दूंगा भर भर के, मान लो कितने 5 एरोज हैं,
और मैं यहाँ जाऊंगा और मैं वापस जाऊंगा तो मेरे को यहाँ मिलेगा शायद कि TNT आ चुका है। या तो मतलब बेसिकली मेरे को कमांड ब्लॉक की रेंज में होना पड़ता है, तो एरोस कहीं भी हो सकते हैं, बस मेरे को कमांड ब्लॉक की रेंज में होना है। ओके बात मानी जा सकती है आपकी। तो अब बेसिकली मैं संकल्प के लिए हर जगह टाइम बॉम्ब लगा सकता हूँ। तो मान लो मैंने एक टाइम बॉम्ब कहाँ लगाऊँ, अब मर जा। नहीं प्लाटो को नहीं फोड़ूंगा, बड़ा आइकॉनिक जगह है ये। कहाँ लगाएं, चलो यहाँ लगाते हैं। तो बेसिकली मतलब समझ गए ना अब हम। अच्छा अब इन चीजों को फोड़ देते हैं यार, ये बड़ी इरिटेटिंग है। इन पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है इनसे, पर बड़ी अजीब लगती है मेरे को, बड़ी इरिटेटिंग भी। मैं इन सब पे लगाने वाला हूँ। तो यार ये तो बड़ी मस्त आरोज हो गई फिर, तब जो करना है करो। मॉब मारना है मॉब मारो, एंटिटी मारनी एंटिटी मारो, सामान फोड़ना सामान फोड़ो, पूरे पूरी हॉकाई बनती। तो बेसिकली ये चीजें अब बचेंगी नहीं शायद। ओ नहीं बच जाएंगी क्योंकि TNT तो एरोस पे स्पॉन होगा, तो और TNT सारा गिर जाएगा। मेरे को इधर मारना चाहिए। उप्स ओ नो, ये एक्चुअली काफी गलत हो सकता है। मैंने एरो कहाँ मारा है? अरे यार क्योंकि वो एरो जो है ना मेरे विलेज के आसपास में कहीं पे आया होगा। स्लैश TP नहीं आर इज इक्वल टू, नहीं 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 सॉरी, आरो कॉमा आर इज इक्वल टू 30 एट एस। 30 ब्लॉक के रेडियस में नहीं है, थोड़ा बढ़ाएं। 80 80 में भी नहीं है। अरे यार 100 कर ले। व्हाट, वो मेरे से 100 ब्लॉक्स दूर है एक्चुअली। हाँ वो तो होगा। यार बहुत हो गया, अब सारे एरोज को कर लो मेरे पास। एक्चुअली वो शायद डेंजरस हो सकता है क्योंकि सारा यहाँ पे और वो मोस्ट प्रॉबली कमांड ब्लॉक की रेंज में होगा, तो मतलब सब कुछ फट जाएगा एक साथ मेरे अंदर, जिससे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा मोस्ट प्रॉबली। तो यहाँ करते हैं स्लैश TP @E। अबे ऊपर जाना आरो। नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, पूरे वर्ल्ड में एक भी आरो नहीं है, ये क्या बात हुई, पागल बनती। ओ राइट फट चुके हैं मतलब वो। ओके मतलब वो जो आरो शूट हुआ था वो भी फट चुका है। यहाँ आया था मतलब आरो। ओके नो डेंजर टच वुड। तो यहाँ अगर मैं करूँगा तो मतलब सही टाइमिंग पे होगा आई थिंक। यप बिल्कुल सही टाइमिंग पे होगा, मेरे को भागना चाहिए। भाई कान में कितना तेज लगता है, ये हेडफोन पहन के सुनना, एक कान में इतना तेज लगा ना मेरे को अभी। आउच चलो जो भी। तो गाइस अब मैं जरा उस पेड़ के ऊपर पहुंच जाऊं ताकि मैं अपनी आउट्रो कर सकूं और एक एरो मार देते उस पे। मारे यार नहीं छोड़ो,
उसके एक्टर्स पे मारते हैं। गो। फटने यस। तो गाइस चलो, इस वीडियो में हमने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया, एक एक्टर्स को भी फोड़ दिया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Oh,